के सिंगरौली में प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के उप क्षेत्रीय मुख्यालय तपोवन कॉम्प्लेक्स विंध्यनगर सिंगरौली में आज एक पत्रकार सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में नगर के प्रतिष्ठित पत्रकार एवं मीडिया कर्मी उपस्थित रहे। इस पत्रकार वार्ता का मूल उद्देश्य था ब्रह्मा कुमारी जी की वार्षिक थीम आध्यात्मिक सशक्तिकरण द्वारा स्वच्छ एवं स्वच्छ समाज के विषय में सबको अवगत कराना। पत्रकारों को संबोधित करते हुए ब्रह्मा कुमारी के क्षेत्रीय निदेशिका राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी अवधेश दीदी ने आध्यात्मिक सशक्तिकरण के बारे में पत्रकारों को समझाते हुए कहा कि आध्यात्मिकता का अर्थ है आत्मा के मौलिक गुणों शांति प्रेम आनंद पवित्रता और शक्ति को बढ़ाना तथा सर्व को एक परम पिता परमात्मा की संतान भाई भाई समझना। आध्यात्मिक सशक्तिकरण के बिना स्वर्ग या रामराज्य केवल कल्पना ही है, उसे वास्तविक में परिणित नहीं किया जा सकता। अध्याय का मतलब होता है अध्ययन और आत्मा जो एनर्जी जो शक्ति आत्मा के अध्ययन के लिए लगाई जाती है। आध्यात्मिकता को आमतौर पर किसी व्यक्ति की अंतिम या पवित्र अर्थ और जीवन में उद्देश्य की खोज के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त इसका अर्थ व्यक्तिगत विकास धार्मिक अनुभव अलौकिक क्षेत्र या परलोक में विश्वास या किसी के अपने आंतरिक आयाम को समझना या तलाश करना हो सकता है। जिंदगी में आने वाली स्थिति को सामना करने के लिए आध्यात्म मानसिक स्तर पर तो आपको मजबूत बनाता ही है, साथ ही ये शरीर के इम्यून सिस्टम को इन्फेक्शन और वायरल बीमारियों से बचाने में भी सहायता करता है। तो आज हम सभी खुद भी इस चीज की इम्पोर्टेंस को जानेंगे और सभी को बताएंगे कि मेंटल ग्रोथ कितना। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।